अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हम जो है बेसिकली फिजिक्स क्लास 10 2017 का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं, और इसके पहले दो सेक्शन जो है, सेक्शन ए जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, सॉरी एमसीक्यूज थे, और सेक्शन बी जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो हमने बड़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लिए। और अब ये हमारा सेक्शन सी है इस पेपर का, जिसके बाद हमारा ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, हम जो है वो जो है सेक्शन सी को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, सेक्शन सी में हमारे पास क्या होता क्या है। हमारे पास जो है वो थ्री क्वेश्चंस होते हैं, जिनके जो है हमने जिसके हमने जिनमें से हमने दो क्वेश्चन जो है कोई से दो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर क्वेश्चन के दो से तीन जो है वो हमारे पास पार्ट्स होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास हर पार्ट में एक शार्ट न्यूमेरिकल होता है 3 से 4 नंबर का, एक कोई प्रूफ या डेरिवेशन होती है एक पार्ट में, और एक में कोई डेफिनेशन वगैरह जो है वो कोई पूछी जाती है। वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी इस हिसाब से करनी है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, सेक्शन सी जो है बेसिकली पार्ट ए है, व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी आगे की होती है, फेडरल बोर्ड की सबसे अच्छी बाजी है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है ये आपने बताना है, डिफाइन करना है, थोड़ा सा कुछ फार्मूला आपने लिख देना है क्यों यूज करते हैं, तो इसको आप इसके आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। सेकेंड, डिस्कस मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। मतलब आप इसकी मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला लिखेंगे, उसे डिफाइन करेंगे और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये चीजें डिस्कस करेंगे आप, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह ये पार्ट क्वेश्चन थ्री का जो है ये आपका 6 मार्क्स पे जो है कंसिस्ट होता है। तो लेकिन ये हम क्वेश्चन जो है वो पार्ट स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके स्मार्ट सिलेबस 2021 में एक्सक्लूड किया गया था। तो हम चलते हैं पार्ट बी के ऊपर, जो कि 4 नंबर का है। पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी जो है वो कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, के हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में एन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखें पैरल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरल कम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, एक एंड जो होता है हर रेजिस्टर का वो कनेक्ट होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल साथ, और जो दूसरा एंड होता है हर रेजिस्टर का वो कनेक्ट होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इसके अलावा पैरल कम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज जो है वो सेम रहती है हर रेजिस्टर के अक्रॉस, सेम चीज वोल्ट कैपेसिटर्स के लिए भी है। और सीरीज में हमारे पास क्या होता है कि करंट और चार्ज जो है वो सेम रहता है हर रेजिस्टर और हर कैपेसिटर के अक्रॉस। तो ये क्योंकि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी। मतलब अगर 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 10 भी हो सकते हैं, 100, 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन हम सब चले 3 रेजिस्टर की बात कर लेते हैं कि ये 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं, R1, R2, R3, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और ये की है स्विचेस का हम ऑन या ऑफ करते हैं, तो वहां से हमारे पास जो है वो
ये चार्ज फ्लो होता है और करंट फ्लो करता है, और हमारे पास चार्ज जो है इस तरह करंट डिवाइड होता है आगे पीछे। इसके अक्रॉस सपोज जो वोल्टेज है वो वी वन होगी, इसके अक्रॉस वी टू होगी, इसके अक्रॉस वी थ्री होगी। करंट जो है वो आई वन होगा, आई टू होगा इसके अक्रॉस, और आर थ्री के अक्रॉस जो करंट होगा वो आई थ्री होगा। लेकिन हमने जो है अपना बेसिक नॉलेज जो कंसेप्ट यूज किया कि क्योंकि वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास ये पैरल कम्बिनेशन है, तो पैरल कम्बिनेशन में जो वोल्टेज जो है वो हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो सेम होती है, करंट जो है वो डिफरेंट होता है। तो हमने क्योंकि एक्सप्रेशन लिखनी ड्राइव करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम कर लेते हैं। देखें अब क्योंकि ये पैरल कम्बिनेशन है तो हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट डिफरेंट होगा, आई वन कुछ और होगा, आई टू कुछ और होगा, आई थ्री कुछ और होगा। ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यूज के ऊपर, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना कम करंट होता है उस रेजिस्टर में से, क्योंकि रेजिस्टेंस नाम ही ओपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट है। चले बारह, लेकिन जितना भी करंट आई वन से होगा, जितना भी करंट आई टू से होगा, जितना भी करंट आई थ्री से होगा, वो हमेशा टोटल करंट के बराबर होगा जो कि हमारा सर्किट का करंट है। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिख ली कि आई जो है ये टोटल सर्किट का करंट है, ये आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री ये वो करंट्स हैं जो आगे जितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उनमें डिवाइड हो रहे हैं। तो हमें पता है ओम लॉ क्या कहता है, वी इक्वल टू आई आर, तो ये आई वन हमारे पास किसके बराबर होगा, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल वी बाई आर। अब देखिए आर के साथ मैंने वन टू थ्री लिखे हैं, लेकिन वी के साथ मैंने लिखा, आर वन के साथ क्यों लिखा है, आर टू आर थ्री के साथ, क्योंकि इन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होंगे। वोल्टेजेस के साथ क्यों नहीं वन टू थ्री लिखा, क्योंकि ये पैरल कम्बिनेशन है, और पैरल कम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज जो है वो सेम रहती है। लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, वोल्टेज सेम हो भी सही, करंट डिफरेंट आएगा, क्योंकि करंट जो है वोल्टेज रेजिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करता है, कोई एक चीज डिफरेंट है तो दूसरी चीज जो है वो डिफरेंट ही आएगी, इसलिए करंट्स के साथ मैंने वन टू थ्री लिखा हुआ है। यहाँ पे आई टू, यहाँ पे आई थ्री होना चाहिए, ये मिस्टेक है। ठीक है, तो अब देखें ये जो इक्वेशंस हैं ये हम इस इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, आई ऐसे ही रहने दें, आई वन की जगह वी बाई आर वन लिख रहे हैं, आई टू की जगह वी बाई आर टू, आई थ्री की जगह वी बाई आर थ्री। अब इन तीनों पार्ट्स में क्या है, हमारे पास वी जो है वो मौजूद है, तो क्यों ना हम वी जो है वो यहाँ से कॉमन ले लें। हमने वी कॉमन ले लिया, ठीक है, वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री, और यहाँ पे आई है ना, तो वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई को वी बाई आर लिख सकता हूँ, आर ई इसलिए मैंने लिख दिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टर लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट यूज कब बनेगा ना। अब देखें दोनों साइड वी है, वी बराबर है तो जहर है, फिर इन दोनों वी एस के साथ जो जो चीजें हैं वो भी बराबर होंगी आपस में, इसके साथ वन ओवर आर ही है, तो वन ओवर आर ही फिर बराबर होगा इस सारी ब्रैकेट में जो चीज है इसके, वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री के। तो इस तरह हमारे पास जो है ये हमने तीन रेजिस्टर्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और अगर हम एन रेजिस्टर्स की बात करें तो आप यहाँ पे प्लस लगा के प्लस वन ओवर आर एन तक लगा लें। इससे मुराद ये है कि वन ओवर आर ई बराबर है वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री प्लस वन ओवर आर फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड सो ऑन, एन कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो यहाँ इस तरह हमने जो है वो पहले पैरल कम्बिनेशन जो होता है रेजिस्टेंस का उससे डिफाइन किया, फिर हमने एक सर्कल दिया जिसमें तीन रेजिस्टेंस जो है वो पैरल में कनेक्टेड थे, वहां से हमने ये कंसेप्ट यूज किया कि वोल्टेज जो है वो हर रेजिस्टर के अक्रॉस सेम रहती है, लेकिन करंट जो है वो डिवाइड होगा, लेकिन टोटल करंट जो है वो हमेशा जो है जितना भी रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट होगा उनका सम जो है वो टोटल सर्किट करंट के बराबर होगा। वहां से ओम लॉ मजीद यूज करते हमने जो है एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर ली, हमने तीन रेजिस्टर्स के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव की, उसे हमने जनरलाइज कर दिया एन रेजिस्टर्स के लिए, तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन जो है वो सही कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर फोर को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा
क्वेश्चन नंबर फोर है, पार्ट ए, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, हाउ डज इट वर्क। देखिए दो नंबर है ट्रांसफार्मर होता क्या है ये बताने के, चार नंबर है ट्रांसफार्मर जो है वर्क कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है और कैसे वर्क करता है ये एक्सप्लेन करने के चार नंबर है। पहले हम देखते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। एक ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, इंस्ट्रूमेंट होती है, जिससे हम अल्टरनेटिंग जो हम वोल्टेज होती है, एसी वोल्टेज होती है, उसको कम या ज्यादा करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर जो है ये काम करते हैं। ट्रांसफार्मर की फिर थोड़ी सी जो है कंस्ट्रक्शन बताई है कि इसमें हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं जिन्हें जो है हम जो है एक रेक्टेंगुलर आयरन कॉइल के ऑपोजिट साइड्स पे जो है बाउंड कर देते हैं। एक जो कॉइल होती है जहां से हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई करते हैं जिसे उसे प्राइमरी कॉइल करते हैं, और जहां से हम जिसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है इंड्यूस होती है उसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। और कितनी हमारे पास जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज जो है इंड्यूस होती है वो डिपेंड करता है हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, और इसके अलावा सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। और ये जो रिलेशन है ये इस तरह आपस में रिलेटेड है कि वी एस बाई वी पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी। ये बेसिकली सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज है, ये प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज है, ये सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है, ये प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है। तो Vs by Vp equal to Ns by Np, where Vp is the input voltage supplied at primary coil. ये जो formula में Vp है ये input voltage है जो हम primary coil को जो है वो supply करते हैं। तो ये basically हमने transformer और उसकी working को थोड़ा सा discuss कर लिया। ट्रांसफार्मर क्या है, ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई या लो करती है। इसके अलावा ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस के ऊपर जो है वो काम करता है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर का पार्ट बी है जो कि चार नंबर का है और एक न्यूमेरिकल है। कोबाल्ट 60 इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 इयर्स। कोबाल्ट 60 बताया कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसकी हाफ लाइफ जो है 5.25 इयर्स होती है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 इयर्स। और पूछ ये रहा है कि जो ओरिजिनल सैंपल है उसकी जो है 26 साल बाद जो है कितनी मिकदार जो है वो रह जाएगी। गिवन डेटा पहले हम लिख रहे हैं क्या है कि जो हाफ लाइफ है कोबाल्ट की, हाफ लाइफ को टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास गिवन है कि वो 5.25 इयर्स जो है वो है। टाइम ऑफ डिके कितना है, 26 इयर्स, कि 26 इयर्स के बाद इसकी कितनी फ्रैक्शन रह जाएगी हमने वो बताना है। फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल लेफ्ट, ये बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल लेफ्ट है एन बाई एन नॉट। एन नॉट वो है जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, एन वो है जो फ्रैक्शन रह जाएगी, क्योंकि हमने फ्रैक्शन बतानी है ओरिजिनल और जो बकाया होगी, इसलिए एन बाई एन नॉट जो है वो फ्रैक्शन है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो हमारे पास होती है, टाइम ऑफ डिके क्या है और हाफ लाइफ कितनी है वो। तो यहाँ से हम टाइम ऑफ डिके गिवन है कि 26 ईयर्स, और हाफ लाइफ जो है कोबाल्ट की वो भी गिवन है वो 5.25। यहाँ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो हमने कोबाल्ट 60 की जो है वो फाइंड कर ली कि इसकी हाफ लाइफ जो है वो 5 होगी। जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गई तो हमारे पास फार्मूला है फ्रैक्शन ऑफ जो ओरिजिनल सैंपल लेफ्ट के एन बाई एन नॉट, ये 1/2 के बराबर होगा। एन ओवर एन नॉट हम फाइंड करना है, 1/2 हमें गिवन है, ये जो हमने नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड किए हैं ये ऊपर ये 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म यूज करेंगे तो हमारे पास n बाई एन नॉट जो है वो आ जाएगा 1/32। तो जो ओरिजिनल सैंपल है वो 26 साल बाद उसकी कितनी फ्रैक्शन रह जाएगी, वो 1/32 जो है वो रह जाएगी हमारे पास। तो ये पार्ट जो है हमने सक्सेसफुली जो है वो सॉल्व कर लिया है। चलें फेयर एनफ, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए है, डिस्कस मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ये 6 नंबर का पार्ट है कि जो मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग होता है ना उसकी मोशन क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो कंसीडर कर लें एक मास जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है। अगर स्प्रिंग को हम स्मॉल डिस्टेंस एक्स तक जो है वो स्ट्रेच करते हैं, मतलब खींचते हैं,
मेन पोजीशन से, तो ये क्या होगा, एक बैकवर्ड फोर्स जो है मैच के ऊपर वो एग्जर्ट करेगा, जो सपोज हम कहते हैं कैपिटल एफर्ट। हुकला हमें पता है वो यूज कर लेते हैं। हुकला कहते हैं कि ये जो बैकवर्ड फोर्स ये एग्जर्ट करेगा मैच के ऊपर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस स्प्रिंग के स्ट्रेच करने की वजह से उसमें लेंथ में कितना चेंज आया है एक्स में। तो हुकला को मैथमेटिकली हमने लिख लिया कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होती है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो के होता है, के जो है इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर है ये हम लिख सकते हैं, ये एफ बाई एक्स के बराबर है। ठीक है, देखें तो स्प्रिंग कांस्टेंट को यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं इसी इक्वेशन को देख के, कि फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग की 1 मीटर डिस्टेंस के इंक्रीज होने में कितनी फोर्स चाहिए हमें, उसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर होती है। क्यों? क्योंकि फोर्स बाय एक्स ये है ना स्प्रिंग कांस्टेंट, और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और एक्स की यूनिट मीटर होती है, तो मीटर जब ऊपर जाएगा तो मीटर माइनस वन हो जाएगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर होती है। जब स्प्रिंग को हम रिलीज करेंगे छोड़ेंगे तो एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मैस के ऊपर एक्ट करेगी, और जिसकी डायरेक्शन जो है मेन पोजीशन की तरफ होगी, और उससे हम इस तरह लिख सकते हैं कि वो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है। ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है ये। ठीक है, अब हमें सेकंड लॉ मोशन से पता है कि फोर्स जो है एम ए के बराबर होती है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर लें। इक्वेट करने का क्या मुराद होती है, देखें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, यहाँ पे भी फोर्स है यहाँ पे भी फोर्स है। जब ऐसी इक्वेशन जिनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो ये ओबियस है उनकी राइट हैंड साइड भी हमेशा बराबर होती है, क्योंकि एफ इस एफ के बराबर है, लिहाजा जो माइनस के एक्स है वो एम ए के जो है वो बराबर होगा। तो यहाँ से हमने लिख लिया इक्वेशन वन और टू से कि जो माइनस के एक्स है वो एम ए के बराबर है। यहाँ से ए हम लिख लेंगे, ये एम इधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस के एक्स बाई एम, और ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के बाई एम को भूल गए फिलहाल। ये रिलेशन हम प्रूव करती है कि जो एक्सेलरेशन मैस की होती है जो स्प्रिंग के साथ अटैच होता है, ये किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि इस मैस की मेन पोजीशन से स्ट्रेचिंग की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। और नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो करते हैं, कि ये जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन जो है वो मेन पोजीशन की तरफ होती है, इस वजह से जो मोशन हमारे पास मैस अटैच टू अ स्प्रिंग होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि डिस्कस मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, तो हमने क्या डिटेक्ट किया कि जो कब जब कोई मैस स्प्रिंग के साथ अटैच होता है तो उसकी मोशन जो होती है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। पार्ट बी है जो एक न्यूमेरिकल है 4 नंबर का, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज, दो हमारे पास आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनके दरमियान जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो 0.8 न्यूटन है। इसका मतलब है रिपल्शन है, उसने बता भी दिया आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब दोनों जो है पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 0.8 न्यूटन है। एंड चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, जब चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0.1 मीटर जो है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, दोनों चार्ज की आप वैल्यू बताएं, मतलब एक Q1 है दूसरा Q2 है, तो आप बताएं कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, कितनी कूलम चार्ज है। अच्छा, होगी सेम वैल्यू क्योंकि उसने बताया आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब एक जैसे हैं, Q1 Q2 बराबर है, तो हम क्या लेते हैं Q1 Q2 Q के बराबर है। पहले हमने यहाँ पे गिवन डाटा लिख दिया कि हमें फोर्स जो है वो गिवन है 0.8 न्यूटन है, डिस्टेंस जो है चार्जेस के दरमियान वो भी गिवन है 0.1 मीटर है, हमने चार्ज की हर चार्ज की वैल्यू बतानी है, वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जो Q1 की वैल्यू होगी वो Q2 की भी वही वैल्यू होगी, तो हम क्या लेते हैं सपोज Q1 Q2 एक Q के बराबर है। अब हमें पता है कि जो कूलम लॉ या कूलम फोर्स है वो क्या होती है, यूज कर लेते हैं 1 मिनट, कूलम फोर्स जो है ये मैं लिख रही है, मैं थोड़ा सा एक स्टेप जो इसका नहीं लिखा वो लिख लेता हूँ। एफ जो है ये बराबर होती है Q1
Q2 by R square. अच्छा यहाँ पे ये रिपल्शन फोर्स लिखी है ना, तो ये अट्रैक्शन भी हो सकती है, तब ये आइडेंटिकल चार्जेस नहीं होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तब अट्रैक्शन फोर्स होगी। इसके अलावा ये रिपल्शन फोर्स जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो, अगर नेगेटिव चार्ज हो फिर भी रिपल्शन नहीं होगी, क्योंकि सेम चार्जेस के दरमियान रिपल्शन होती है, ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होती है। तो ये मैंने आपके सामने जो है वो कूलम फोर्स जो है वो लिख दी है, ठीक है, के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दो चार्जेस के दरमियान जो हमारे पास होती है, पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन चार्जेस के प्रोडक्ट के, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के। प्रोपोर्शनैलिटी जब भी खत्म करनी होती है तो एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट आता है हमारे पास वो के होता है, जिसे हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, के इसकी वैल्यू 1/4 πε0 होती है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास 9×10⁻⁹ होती है, ठीक है। फोर्स गिवन है 0.8, वो पुट कर दिया, के की वैल्यू नाउन होती है 9×10⁻⁹, आपने याद रख लेनी है, और Q1 Q2 क्यू ही है तो क्यू स्केयर हो जाएगा, और आर भी जो है वो चार्जेस कर मैन जो डिस्टेंस है वो गिवन है वो 0.1 है, इसका स्केयर कर लेते हैं। चलें अब 0.8 = 9×10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय क्यू का स्केयर डिवाइडेड बाय 0.1 का स्केयर। तो अब हम ये देख लेते हैं, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 0.8×0.01, क्योंकि जब इसका स्केयर लिया तो 0.01 हो गया ना, =9×10⁻⁹ × Q2। अब देखिए क्यू स्केयर इधर रहने दें, ये जो चीज है ये इधर जाके डिवाइड कर दें, तो क्यू स्केयर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई जब होगा तो 0.008 आ जाएगा, और ये 9×10⁻⁹। तो आप इस सोल्व करेंगे, क्यू स्केयर आपके पास आ जाएगा, हमने क्यू फाइंड करना है, आप दोनों साइड स्केयर रूट ले लें, ये स्केयर स्केयर रूट से खत्म हो जाएगा, तो जो क्यू आ जाएगा वो बच जाएगा 9.4×10⁻⁷ कूलम। और क्योंकि आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस थे तो Q1 और Q2 दोनों जो हैं वो Q के बराबर थे, तो Q1 Q2 हमारे पास आ गया 9.4×10⁻⁷ कूलम। तो इस तरह जो है हमने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे हमारा जो है ये सेक्शन सी भी जो है 2017 फेडरल बोर्ड फिजिक्स क्लास 10th का कंप्लीट हुआ। इस तरह ये पेपर जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया, हमने बड़ा डिटेल में ये पेपर 3 वीडियोस में जो है डिस्कस किया। अब हमारे पास क्लास 10th का एक पेपर रह गया है जो कि 2016 का है, उसको हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमने जो है वो क्या करना है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जो चीज़ें समझ ना आई या जो क्वेश्चन रह गए अगर उनके आपको सोल्यूशन चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।